राधे राधे, मानताइस किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन ऑमलेट चीज सैंडविच। ये एक वेजिटेरियन प्रोटीन से भरपूर सैंडविच है। आप लोग इजीली इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं एक बर्तन में 1 कप जैसा बेसन ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में बेसन अच्छा क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, फिर कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, फिर सब कुछ थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। हम लोगों को बैटर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। सो उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। फिर पानी के साथ अच्छे से बेसन को मिक्स करेंगे। बेसन हम लोगों का अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं बेसन में ऐड करूंगी थोड़ा सा टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिए थे। फिर मैं ऐड करूंगी प्याज, प्याज को भी मैंने अच्छे से पहले से चॉप कर लिए थे एकदम बारीकी से। फिर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, धनिया से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा सा स्मेल आएगा। फिर सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर देंगे। फिर एक पैन ले लेंगे, पैन जब गर्म हो जाए फिर उस पे ऑयल ऐड करेंगे। फिर ऑयल को अच्छे से पैन के चारों तरफ घुमा देंगे। फिर ब्रेड को अच्छे से बैटर में डिप करके पैन में दे देंगे। आप लोग कोई भी रेगुलर ब्रेड इस रेसिपी में यूज कर सकते हो। फिर दूसरा ब्रेड को भी मैं ऐसे ही बैटर में डिप करके पैन में दे देंगे। फिर ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर सुनहरा टाइप का ना आ जाए। देखिए मैंने ब्रेड को पलट दिया और कितना सुंदर कलर आया हुआ है। फिर अच्छे से प्रेस कर करके फ्राई करेंगे ब्रेड को, ताकि बेसन का कोई भी कच्चापन ना रह जाए। फिर मैं सैंडविच का लेयर के लिए सबसे पहले ऐड करूंगी चीज स्लाइस। मैं यहाँ एक सैंडविच के लिए एक ही चीज स्लाइस का यूज कर रही हूँ। फिर मैं दूसरा ब्रेड पे यूज कर रही हूँ 1 चम्मच जैसा टमाटो केचप। इससे सैंडविच में एक खट्टा मीठा टैंगी फ्लेवर आएगा। फिर तीखापन के लिए मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। फिर मैं सैंडविच को फोल्ड कर दूंगी। ये पूरा प्रोसेस आप लोग कम हीट में ही करना, ताकि हम लोगों का सैंडविच भी ना जले और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए हम लोगों का सैंडविच भी रेडी हो चुका है और कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब इसको उतार लेंगे, फिर बाकी का सैंडविच भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फिर एक एक स्लाइस का पीस अच्छे से बैटर में डिप करके पैन में दे देंगे। फिर अच्छे से दोनों साइड फ्राई करेंगे जब तक बेसन का कच्चापन ना चला जाए और ब्रेड में एक सुनहरा सा कलर ना आ जाए। फिर सैंडविच के लिए पहले ऐड करेंगे 1 चम्मच जैसा टमाटो केचप। फिर ऐड करेंगे तीखापन के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। फिर ऐड करेंगे चीज स्लाइस। फिर सैंडविच को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और इसी के साथ हो गया रेडी हम लोगों का बेसन ऑमलेट चीज सैंडविच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। घर पे एक बार ट्राई करके आप लोगों का फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करना।